लोगों और संस्थाओं की जो दूसरों की ज़िंदगी को रोशन करते हैं और मुस्कान बिखेरते हैं। कोलकाता के टिकियापाड़ा इलाके में ऐसे ही एक हैं मामून अख्तर, जो खुद को एक साधारण लाइब्रेरियन है लेकिन अपने काम से सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी को नई दिशा दे रहे हैं। क ख ग या फिर ABC, चलो एक नई शुरुआत तो हुई। शुरुआत उन बच्चों की जिंदगी में जिनके माता पिता को हर रोज 2 जून रोटी के लिए जिंदगी से दो दो हाथ करने पड़ते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक रहा तो इन बच्चों को ऐसे दिन नहीं देखने पड़ेंगे। हावड़ा के टिकियापाड़ा इलाके के ये बच्चे मामून भैया के दिखाए रास्ते पर चल पड़े हैं। मकसद एक ही है कि जो बच्चे, जो लोग, जो बहुत ही गरीबी तबका के लोग हैं, गरीब गुर्बत की वजह से, शिक्षा नहीं होने की वजह से ड्रग ट्रैफिकिंग, पेडलिंग्स वगैरह मुलविस हो जाते हैं, जो भी काम करते हैं अपने परिवार में देने के बजाय वो नशीली चीज़ों पर खर्च करते हैं, उनका परिवार और गरीबी के दलदल में डूब जाता है, उनके बच्चे भी स्कूल नहीं जा पाते। आहिस्ता आहिस्ता समाज का ये जो एक तबका है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। तो इन बच्चों के लिए, उन परिवारों को बचाने के लिए हम लोगों ने इस स्कूल की तामीर की। मामून अख्तर एक स्कूल में लाइब्रेरियन है। 3 साल पहले कुछ दोस्तों के साथ वो इस मिशन में जुटे और आज गरीब और बेसहारा बच्चे ही नहीं, आसपास की महिलाएं भी यहाँ से जिंदगी की एक नई शुरुआत कर रही हैं। वो सिलाई बुनाई सीख रही हैं ताकि कल उन्हें किसी का मोहताज न होना पड़े। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, हम लोग को अपने आप पे भरोसा भी है, हम आप लोग सीख के अपने आप पे पैर पे खड़े हो सकते हैं। हम सिलाई भी सीख के पढ़ते भी हैं, सिलाई सीखने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा है और सिलाई सीखने के बाद हम अपने पैरों पे खड़ा भी हो सकते हैं। मामून को अपने इस मिशन में कोलकाता में काम कर रहे अमेरिकी राजनयिक जॉर्ज सिबले की पत्नी ली एलिसन का भी सहयोग मिल रहा है। उनकी लगन को देख मुंबई के एक व्यापारी रमेश कछोलिया भी उनकी मदद को आगे आए हैं। मामून बताते हैं कि महिलाओं का उनके इस मिशन से जुड़ना एक बड़े बदलाव का इशारा है। वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए औरतों को सेल्फ एम्पावर्ड बनाया जाता है, उनको सिलाई, जो औरतें कल तक नेफेरियस एक्टिविटीज़ में मलविस थी, आज उनको हम लोग बैक टू उनको किसी प्रोजेक्ट में हम लोगों ने शामिल किया। आज वो जितने भी औरतें हैं एक दूसरे के साथ दुख सुख भी बांटती हैं, एक दूसरे का सोशल कॉज के लिए भी एक दूसरे का साथ देती हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो सेल्फ रिलायंट हो रही हैं। मामून की एक छोटी सी शुरुआत आज 400 गरीब बच्चों और 150 से ज्यादा महिलाओं की जिंदगी को रोशन कर रही है। मामून अख्तर और उनके दोस्त जानते हैं कि इन बच्चों के लिए तालीम और उन औरतों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के क्या मायने हैं जिनके माँ बाप के सामने सबसे बड़ी चुनौती 2 वक्त की रोटी जुटाना है। लेकिन इन्हें लगता है कि ये बच्चे इस काबिल होंगे कि समाज को एक नया रास्ता दिखा पाएं। टिकियापाड़ा से कैमरामैन राहुल के साथ राजेश सिसोदिया, NDTV इंडिया के लिए। तो अगर आप भी ऐसी किसी संस्था को या किसी शख्स को जानते हैं जो दूसरों के